शिखा जी रही हैं वो आती है तो हम स्टार्ट करते हैं ओके okay, तो आ, हम थे कि हाउ टू ट्रीट अभी ट्रीटमेंट कैसे करना है जब पर्सन अभी तो आप यू नो हैंड टच के साथ आपका है नो डाउट हम दो दिन में ही लेवल सेकंड पे पहुंच जाएंगे तो जब आपका टच करने के साथ काम है तो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं कि बेल्ट निकाल दो ग्लासेस निकाल दो चेन वेन कुछ रिंग्स ऐसी चीजें डाली हुई है कि हमें यू नो पर्सन जो करवा रहा है ये चीजें मेंशन करने का रीजन सिर्फ इतना ही है कि जो पर्सन आपसे करवा रहा है उसके मन में डाउट ना हो कि कहीं ये मेरी चेन तो नहीं ले लेगा ले या मेरी ये चीज तो नहीं लेगा ले ले। तो इट्स बेटर पहले उतार के सेफ साइड पे अपनी जगह पे रख लीजिए फीमेल के साथ भी सेम है तो वॉलेट uh, निकाल दो बेल्ट वगैरह निकाल दो कि पर्सन कंफर्टेबल जब तक देखो कोई पर्सन आया बहुत टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो उसको आप चाहे कितनी भी हीलिंग दे लो तो वो अंदर से ही टाइट है ना वो तो अंदर से ऑलरेडी टाइट है तो तो पर्सन फील वो उतनी फीलिंग नहीं आएगी उसको तो कई बार हम बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फेस करते हैं कि उनको आपने हीलिंग दे बोलेंगे अच्छा था था ठीक ऐसा वो ऐसे बोलते हैं कि हाँ जी अच्छा था ठीक था ऐसे व्यक्ति तो का थोड़ा सा वो रहता है कि वो ऐसे बहुत अच्छा साउंड नहीं करते तो रीजन ये होता है कि वो अंदर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की वजह से इनसिक्योर होते हैं तो पहले ही आप अगर उनको इंस्ट्रक्शन दोगे की आप अपनी यू नो ग्लासेस शू बेल्ट कुछ ऐसी जो चीजें हैं जो उनको अनइी कर सकती हैं वो चीजें निकाल दें। बाकी इसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जो एक ही से रिलेशन नहीं है कि अगर उन्होंने ये सब चीजें पहन रखी हैं, तो अगर उन्होंने ये सब चीजें पहन रखी हैं तो उनको कोई यू नो प्रॉब्लम होगा उनको कोई हीलिंग नहीं पहुंच पाएगी तो ये सब चीजें का हम पहले से थोड़ा ध्यान रखते हैं बाकी हीलिंग में इसका ऐसा कुछ फर्क खास पड़ता नहीं है आ, आप अपना हाइजीनिक थोड़ी मेंटेन करें कि कंफर्टेबल कराने के लिए आप जो भी अच्छा कर सकते हैं डेट यू नीड टू फॉलो बट बाकी पर्सन डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि उनको कैसा आ रहा है हाँ जो मेन इंपॉर्टेंट याद याद रखने वाली चीजें हैं कि आपने क्रॉस नहीं करना आईधर अगर वो पर्सन बैठा है चेयर पे तो ठीक है या तो वो क्रॉस लेग करके बैठे हैं लेकिन अगर चेयर पे बैठ के भी कुछ लोग हम पैर के ऊपर पैर रख लेते हैं ना या कुछ लोग ऐसे करके भी बैठ जाते हैं ऐसे करके बैठ जाते हैं तो वो क्रॉसिंग पोजीशन में ना हो क्योंकि आप एनर्जी के साथ काम कर रहे हो फुल स्कैनिंग कर रहे हो तो इसका भी एक रीजन है जब आप ऐसे करते हो तो हमारा और ना लॉक हो जाता है तो आप स्कैनिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे तो और हमेशा ओपन होना चाहिए हैंड्स डाउन कहीं भी कंफर्टेबल पोजीशन में बट क्रॉसिंग में ऐसे करके या ऐसे करके फीट भी ऐसे करके नहीं आने चाहिए जहां लेटा हुआ है या बैठे हुए हैं किसी भी पोजिशन में नेक्स्ट आ जाता है कि हमारा आ, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है बस ये दो चीजें ही हैं फिंगर्स आप अपने हमेशा ऐसे ही रखोगे पर्सन को भी बोलो बड़े आराम से शांति से लेट जाए उनको बोलो सो जाए आप म्यूजिक ऑन कर सकते हो ओम की चांटिंग निकाल लगा सकते हो उनको बोल सकते हो अपने पेशेंट्स को डायरेक्टली भी वो मतलब वो भी आपके साथ ओम की चांटिंग करे जो आपने म्यूजिक पीछे लगा रखा है इजी है क्योंकि ओम की चांटिंग करना अगर कोई और मंत्र आप प्रेफर करते हो तो यू कैन डी आप वो कर सकते हैं देर इज नो हार्म और कुछ ऐसा की आप नहीं कर सकते हो या कुछ गलत हो जाएगा बहुत अच्छा कोई भी मंत्र यूज कर रहे हैं कुछ लोगों ने तो यू you नो know, वो हनुमान चालीसा लगाया होता है बहुत सारी चीजें लोग यूज करते हैं तो आप कोई भी मंत्रा यूज कर सकते हैं नेक्स्ट आ जाता है हाँ जी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको मैं सिर्फ अभी एक ही एग्जाम्पल होगी अगर आपको अच्छा फील होता है हॉट लगने पे ठीक है मुझे अच्छा फील होता है हॉट लगने पे मुझे अगर कुछ नेगेटिविटी है तो आई फील स्वेटिंग और अगर सब कुछ ओके okay है सब कुछ ठीक है तो आई फील वार्म तो मुझे वार्म होने पे मैं खुद में भी कंफर्टेबल रहती हूं तो अगर दूसरे पर्सन में भी मुझे वार्मनेस फील होती है जब मैं उसकी स्कैनिंग करती हूँ तो मैं यही एग्जाम्पल आप, आपके साथ ले रही हूँ कि मैं हीलिंग कर रही हूँ हीलिंग हो रही है पर्सन की मैं उनको ट्रीटमेंट दे रही हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे पता नहीं ट्रीटमेंट खत्म हुआ कि नहीं हुआ मैं तो अफर्मेशन बोली जा रही हूँ भी मैं आपको बाद में बताऊंगी डोंट गेट कन्फ्यूजर मैं तो हीलिंग दे ही जा रही हूँ कि तुम ठीक हो तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है तुम्हारी नेगेटिविटी चली गई है तो ये सब मैं चीजें बोल रही हूँ बट मुझे पता आप तब तक हीलिंग दोगे ट्वेंटी थर्टी मिनट्स का प्रोसीजर होता है क्लीनिंग क्लीनिंग इज पार्ट ऑफ द हीलिंग क्लीनिंग हम डेली करते हैं क्लीनिंग की अफर्मेशन दी सब कुछ हम कर रहे हैं तो जब तक आपको वार्म जैसे मुझे वार्म फील होता है अच्छा लगने पे जब तक मुझे वार्म फील नहीं होगा यहाँ पे आई विल नॉट स्टॉप ठीक है तो आपके साथ अभी आपको ये जज करना रहेगा आफ्टर द अट्यूर्नमेंट अभी आपका काम शुरू नहीं हुआ निकिता एंड संध्या जी तो अभी आप सिर्फ सीख रहे हो आपके अट्यूर्नमेंट में कल का प्लान करती हूँ तो जब तक मुझे वो फीलिंग नहीं आएगी वॉर्मनेस की तब तक वो हीलिंग नहीं हुआ आज का तो कई बारी थोड़ी सी भी आई अब फॉर एग्जाम्पल आपको हीलिंग करते हुए फोर्टी मिनट हो गए तब आपको जाके हल्की हल्की सेंसेशन आनी शुरू हुई कि वॉर्म है इट मीन टू डेज वर्क इज डन आज की डोज चली गई है आज की डोज उस पर्सन को आपके पेशेंट को आपके क्लाइंट को मिल गई है ट्रीटमेंट एंड ऑन ट्रीटमेंट करने के बाद फर्स्ट लेवल है हमेशा हैंड वॉश करेंगे इफ पॉसिबल फुल फेस वॉश करें हैंड वॉश करें अपने फीट वॉश करें वॉश करने का मतलब सोप यूज करना नहीं है सिंपल वाटर के साथ भी आप वॉश कर सकते हो अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी आपको हैवीनेस फील हो रहा है देन आई प्रेफर कि आप सॉल्ट के साथ अपने हैंड वॉश कर ले या सॉल्ट वाला पानी जो मैंने अभी आपको बाउल में बताया सॉल्ट वाला बाउल लेके आप उसमें अपने हैंड्स और फीट डिप कर सकते हैं फॉर फ्यू मिनट्स तो ऑल द नेगेटिविटी विल गो नेगेटिविटी चली जाएगी क्लियर हां जी हम जैसे आपने बताया कि पहले उसकी स्कैन करनी है फिर उसको ओरा क्लीन करना है फिर उसको हीलिंग देनी है और हीलिंग जब तक आपको वार्म फील नहीं होता तब तक हीलिंग हीलिंग देंगे तो इतनी हीलिंग मैंने अभी बताया नहीं है ठीक है तो इतनी पेशेंट नहीं होती पेशेंस नहीं होती किसी में भी कि इतनी देर तक मतलब वो इतनी देर का काम नहीं है इतनी देर का काम नहीं है जब आप किसी को हीलिंग कर रहे हो ना पहली बात मैं जब भी हीलिंग करनी शुरू करती हूँ पर्सन सो जाता है इमीडिएटली पांच दस मिनट में वो सो जाते हैं और ये एक बार नहीं हुआ हमेशा ही होता है दो अपन में किसी को बोल दिया चाहे किसी भी कितनी भी तकलीफ में आया आपने किसी को बोला ओम का उच्चारण करो आपका जहाँ पे आपने उनको बिठाया मैंने आपको बोला ना एक जगह बिठानी है जहाँ पे आप हीलिंग करते हो जहाँ पे आपने उनके लिए हीलिंग स्पेस बनाई है तो आप उन चीजों को भी तो हीलिंग करोगे जो बेड है जिस बेड पे आप उनको लेटाते हो तो आप उसको भी क्लीन करते हो डेली वहां पे आप क्या कर सकते हो क्लीनिंग कर सकते हो चार्जिंग कर सकते हो वो पॉइंट अभी आएगा अभी नहीं है वो पॉइंट कंफ्यूज हो जाओगे वो करोगे तो वो आपका और आपकी चीजें इतनी पॉजिटिव होंगे ओम का उच्चारण इतने टाइम से चल रहा है जब आप डेली काम करते हो तो आप ऑन करते हो तो वो चीजें पॉजिटिव हो जाती है पर्सन आते ही दस पंद्रह परसेंट रिलैक्स हो जाता है कुड भी पॉसिबल सो भी जाए आपके केस में भी मेरे केसेस में तो मोस्टली सो जाते हैं जो मैं दूर से हीलिंग करती हूँ तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही करती हूँ या फिर मैं इवनिंग टाइम में करती हूँ जब मेरी डॉक्टर्स होती है एक्चुअली तो ये मेरा प्रोसीजर है काम करने का और ये फिजिकल केसेस नहीं है जो फिजिकल हीलिंग मैं करती हूँ वो सुबह ही करती हूँ कोई अपार्ट फ्रॉम जैसे किसी का कोई काम नहीं बन रहा किसी को जॉब नहीं मिल रही या किसी को मनी रिलेशंस जो प्रॉब्लम है वो मोस्टली केवल मैं शाम में करती हूँ या कभी किसी की इमरजेंसी भी रहती है तो वो दो टाइम हीलिंग होती है डेट टाइम आई तो जब आप पर्सन को लिटा देते हो बोलते हो फ्री हो जाओ रिलैक्स हो जाओ ओम की चाटिंग करो या अपने भगवान को याद करो जिसको आप मानते हो कोई जरूरत नहीं है किसी को फोर्स करने की आप उनको सिंपली बोल सकते हो कि आप जिनको मानते हो अपने भगवान पे याद करो कि आप ठीक हो गए यही बोलना है कि मैं ठीक हो गया हूँ ये नहीं कि मैं ठीक हो रहा हूं कंटिन्यू में नहीं बोलना सेंटेंस आपका पॉजिटिव होना चाहिए आई एम वॉट यू आर आई एम बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है अभी आप पूछ रहे हो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ हम पूछते हैं ना हु आई एम मैं कौन हूं मुझे ये जानना है लोगों की बहुत जिज्ञासा है आजकल की वाई वी आर ऑन द अर्थ हम अर्थ पे क्यों है हम कौन है तो हम कौन है मैं कौन हूं मतलब सॉरी मैं हम यूज करती हूँ मोस्टली तो आई हु आई एम आई जो हम यूज कर रहे हैं तो वो जो आई है तो हु आई एम आई एम पीसफुल सोल मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ ठीक है आई एम डिवाइन बींग माई फेवरेट इज आई एम ए डिवाइन बीइंग ठीक है माई फेवरेट इज आई एम पावरफुल मेरा ये फेवरेट है मैं ये चीजें बोलती हूँ आई एम पावरफुल की मैं बहुत पावरफुल ठीक है आई एम वॉट आई एम ये आपको सोचना है अच्छे से कि आप क्या बनना चाहते हैं आपने वो बोलना है जो आप बनना चाहते हैं जो आपने देखना है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं अगर आपने बोल दिया मेरा सिर दुख रहा है तो आपका सिर डेफिनेटली अगर इतना दुख रहा है और दस बार बोल दिया मेरा सिर दुख रहा है मेरा सिर दुख रहा है जो आया उसको बोल रहे हो जिससे फोन पे बात करी उसको बोल रहे हो दिस विल एक्सपैंड वो बड़ा होता जाएगा सिर दर्द बढ़ता जाएगा आज भी होगा कल भी होगा परसों भी होगा और एक दिन तो ऐसा होगा चौबीस होता रहेगा हुआ चेहरा उतरा हुआ नहीं नहीं आई एम फाइन मैं तो ऐसे ही बोलती नहीं नहीं आई एम फाइन क्या हुआ बताओ कुछ नहीं बस हल्का सा हेडेक हो रहा था बट अभी ठीक है तो साथ में उसको कन्वर्ट भी कर दिया तो आपको एक गेम खेलनी है अभी अभी हम एक गेम प्ले करना सीख जाएंगे एक टेक्निकल गेम जिसको बोलते हैं आपने वो करनी है कि बता भी दिया उस पर्सन को am, you know, को आई एम यू नो नॉट मेरे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा लेकिन उसको साथ में कन्वर्ट भी कर दो ताकि उसका इम्पैक्ट कम हो जाए बिल्कुल तो खत्म नहीं होगा क्योंकि आपने एक बार बोल दिया नेगेटिविटी आजकल ज्यादा हावी है ठीक है क्योंकि ये सतयुग नहीं है पॉजिटिव प्लेस नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिविटी जल्दी हावी हो जाती है तो हमने अगर बोल दिया हाँ हो रहा था बट नाउ इट्स फाइन तो साथ में ये भी बोल दिया कि अब मैं ठीक हूँ तो इस तरह से आपने कन्वर्ट करके वो एक गेम हम प्ले करते जाएंगे कि आपको जो चाहिए वो आपने बोला है तो वो ठीक हो जाता है वैसे भी स्कैनिंग में मिनट से ज्यादा नहीं लगते और स्कैनिंग तो हम एक ही ही बार करेंगे जब पहली बार पर्सन आएगा ठीक है बार बार तो स्कैनिंग नहीं करेंगे जब आप डेली काम करोगे तो आपको वैसे ही पता चलता जाएगा क्या हो रहा है कैसे हीलिंग है कहां तक पहुंची है पहले दिन स्कैनिंग में दस मिनट लगेंगे बाकी हीलिंग का टाइम तो वो ट्वेंटी टू थर्टी मिनट होता है मैक्सिमम जाता है फोर्टी मिनट्स लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो आप सिंपली खत्म कर सकते हो क्योंकि हो सकता है आप एक एग्जॉस्ट फील करो तब हम दूसरी चीजों का ऑप्शन यूज करते हैं हम क्रिस्टल्स यूज कर लेते हैं चार्जिंग वाटर यूज कर लेते हैं पर्सन ने जो कपड़े पहने हुए ना उनको भी चार्ज कर देते हैं बड़े कुछ लगा लेते हैं स्कीम में <laughs> वो बहुत कुछ होता है तो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है थैंक यू मैम वेलकम नेक्स्ट हमारा आ जाता है देखो आप कोई भी काम कर रहे हो ना फर्स्ट सबसे पहले तो हम एक और चीज निकालेंगे हम मैं निकाल देंगे मैंने कुछ नहीं किया 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 हैज डन जो भी आपने किया, वो रेकी ने ने पॉजिटिव एनर्जी भगवान ने किया तुम्हारे भगवान ने किया मेरे भगवान ने किया बहुत सारी चीजें गिव क्रेडिट टू द रेकी एनर्जी जितना आप दूसरों को मतलब पॉजिटिव एनर्जी को क्रेडिट दोगे आप उतना हम्बल रहोगे अगर मैं मैं कर दिया तो कहीं ना कहीं पे वो अपनी ई को

वैसे मैंने काफी ब्रीफ किया था बहुत एक्सप्लेन करके समझाया था रिकॉर्डिंग दिया था आपको आई होप सबने सुना कोई डाउट संध्या जी मैम वो सबसे ही लेने हैं हाँ हाँ सबसे ही सब... लेने हैं सब से किसी को भी अगर आप हीलिंग करोगे मैंने बोला ना अब मेरे हस्बैंड मुझे हर महीने सौ रुपए देते हैं मैं उनसे पक्का लगाया हुआ है उनसे पक्का <laughs> लगा हुआ है मेरी डॉटर का मैं हंड्रेड लेती हूँ मेरी मदर से मैं फाइव लेती हूँ वो मेरे, मेरे हसबेंड हैं है ना जैसे मेरे हस्बैंड है उनकी ना नी में काफी पेन होती है तो मेरे को कहते होते कि हीलिंग कर दे तो अभी मेरे को पहले तो मैंने कभी नहीं ऐसे सोचा तो अभी आपने बताया कल जैसे मुझे उनसे चार्ज करना चाहिए <laughs> नहीं नहीं चार्ज करोगे तो देखो उनके कर्मा भी ब्लॉक नहीं होंगे आपके भी ब्लॉक नहीं होंगे अच्छे से लाइफ कटेगी नहीं तो कहीं ना कहीं हील कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं और जाके निकलेगा थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि वो चीज वापस आ जाए बहुत सारी चीजें हैं तो वो चीजें चार्जिंग का तो मतलब ये नहीं है कि हम अपनी फैमिली है तो हमने उनसे बोला कि ये मैंने मैंने उनसे मैंने बोला ना मैं मंथली अपने हस्बैंड से हंड्रेड रुपीज लेती हूँ मंथली अपने डॉटर के 100 तो टू हंड्रेड वो मंथली मुझे देते हैं जो सिर्फ मैं अपने ऊपर ही खर्च करती हूँ मैं उसको कहीं और खर्च नहीं करती क्योंकि बहुत छोटी अमाउंट है एक तो है ना एक तो छोटी अमाउंट है फुल मंथ का ले रहे हैं और ऊपर से वैसे मेरा हंड्रेड रुपीज पर डे का चार्जेस है ठीक है सबको पता होगा आई थिंक तो उनसे मैं हंड्रेड रुपीज फुल मंथ के लेती हूँ कुछ ना कुछ ले। और वो मैं फुल अपने ऊपर ही दो सौ रुपए के मैं पूरे महीने गोल्ड कप्पे खाती हूँ अब तू मेरे से पैसे लेगी मैम ने बोला है ऐसे ही होता है ना तो आप कुछ भी एक रख लो कि मुझे कभी, कभी चॉकलेट ला दो अगर आपको अच्छी लगती है कभी आइसक्रीम ले आओ है ना तो ऐसी चीजें रहती हैं, बट वो चीज फिर आप ही कंज्यूम करना क्योंकि एक तो आप छोटी अमाउंट ले रहे नहीं भी होता ना तो मैं उनका उसमें जाके दो सौ चार सौ सो, पांच सौ रुपए और डाल के ना कोई जाके टॉप ले लिया कोई सैंडल ले ली कुछ भी ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं हम यूज कर सकते हैं इस तरह से अपने ऊपर तो लास्ट टाइम लास्ट टाइम खुशी उनको ना प्रॉफिट बहुत बड़ा हुआ था मेरे हस्बैंड को हाँ जी जैसे कोई वर्क प्लेस पे है ठीक है ना और उसको कोई पेन, पेन महसूस हो रही है तो हम उसकी उसके वर्क प्लेस हीलिंग कैसे कर सकते हैं वर्क प्लेस के लिए आपको सेकंड लेवल पे सेकंड लेवल पे मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि सेकंड लेवल में आपके अंदर वो पावर आ जाएगी आपको वो सिंबल मिल जाएंगे कि जहाँ पे आप यहाँ पे बैठ के दुनिया के कि कि किसी भी कोने में किसी को भी हीलिंग कर सकते हैं तो फिर आप वर्क प्लेस पे भी कर सकते हो अदरवाइज यू हैव टू वेट कि वो पर्सन घर पे आए और आपकी हो आप, आप सिर्फ पॉजिटिव थाट्स भेज सकते हो उनके साथ बाकी ये है मैंने आपको ये भी पॉइंट क्लीन कर दिया है कि द मोर यू हील अदर्स यू विल गेट हील्ड ठीक है आप जितना दूसरों को हील करते हो आपकी हीलिंग पहले होती है आ, रेकी जो है ना ट्वेंटी फोर आवर्स काम करेगी जब आपकी अट्यूनमेंट हो जाती है और आप जैसे ही बोलोगे ना रेकी या किसी से बात भी करोगे या थैंक यू रेकी भी बोलोगे या रेकी ऑन भी बोलोगे तो ये वे होते हैं रेकी को ऑन करने के उनको चाहिए ट्वेंटी फोर आवर्स फ्लो करती है ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं रात को मत करो कुछ लोग बोलते हैं सुबह चार बजे उठ के करो तो ऐसा कोई रूल नहीं है कुछ भी नहीं है ये सिर्फ उनको ना लोगों को अपने चक्कर में शायद फसाए रखने के लिए अपना बनाया होगा बाकी मुझे किसी का कुछ नहीं पता आई विल नॉट से अबाउट तो रेकी फ्लोस एनी आवर्स आप किसी भी टाइम रेकी को यूज कर सकते हैं रिकी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको लगे कि आप क्लाइंट को टच नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली फीमेल है तो बींग मेल्स को नहीं कर पाते कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती है कि डॉक्टर इन लॉ है तो अपने फादर इन लॉ की नहीं कर सकती तो वो सेकंड लेवल में आपके बैरियर्स खत्म हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट लेवल पे नहीं कर सकते आप अपने हाथ को पर्सन अगर यहाँ पे थोड़ा सा तीन चार फीट ऊपर आप हाथ रखोगे तो रेकी विल फ्लो आपको पता लगेगा कि रेकी हो रही है एनर्जी जो है वो जा रही है इवन सर्दी में लोग फील करते हैं कि सॉक्स पहनी हुई हैं, क्विल्ट ले रखी हैं, ब्लैंकेट्स ले रखी हैं, तो हीलिंग हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी तो रेकी पास थ्रू वॉल्स इवन रेकी ना वॉल्स के से भी पार होकर निकल जाती है तो वो क्विल्ट और ब्लैंकेट तो क्या अलग बात है ना इवन रेकी इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्स तो किसी को दिख नहीं रही बट वो आ तो रही है हमेशा ही आ रही है मैं जो इतने देर से बक 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 बोल रही हूँ रेकी 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 तो वो कितना मेरे ऊपर उसका यू नो फ्लो है वो कितना मेरे ऊपर उसका है कि इतना बोलने के बाद भी आई एम नॉट फीलिंग टायर्ड सुबह से मेरी कोई ना कोई वर्कशॉप वा, थी पहले व्हाट्सएप की वर्कशॉप थी एक चार से पौने पांच बजे तक वो ली वो रिकॉर्डिंग करके भेजी फिर किसी के किसी क्वेश्चन है कोई कंसल्टेशन है तो इतना टाइम बोलने से ही वो ट्वेंटी फोर आवर्स फ्लो हो रही है और मेरे अच्छे के लिए फ्लो हो रही है तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा एनर्जी तो अपने आप आ रही है सेकेंड आ रही है कि आप किसी भी पोजिशन में रेकी दे सकते हो इवन आई टेल यू इट सीक्रेट कि मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिलता ठीक है बच्चा भी छोटा है बाकी घर के भी काम कर का रहे इन लॉन्स भी हैं सब कुछ नहीं टाइम लगता तो कहाँ पे मुझे अपने लिए टाइम मिलता है इन द बाथरूम मैं अपने लिए जाके अगर कोई मुझे प्रॉब्लम होती है कोई चीज होती है सिंपली गो इन इंटर लॉक कर लिया और मेरे हस्बैंड को पता है मैंने अगर बाथरूम में लॉक कर लिया तो आया मैं पंद्रह मिनट से पहले तो नहीं आने वाली दस पंद्रह मिनट से पहले नहीं आने वाली उसमें मैं अपनी हीलिंग कर लेती हूँ ठीक है तो वो टाइम है जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता मी टाइम होता है और आप किसी भी पोजीशन में एक को कुछ देखो आपके पेर, हमारे पेरेंट्स है ना हम अपनी बात हमारे पेरेंट्स है हमारा सुसु पोटी नहाना धोना सब कुछ किया बचपन में उनको बुरा लगता है तो हम तो भगवान के लिए वही छोटे बच्चे हैं हमें लगता है हम बड़े हो गए हम चालीस के हो गए पचास के हो गए तीस के हो गए बीस के हो गए हम बड़े होते हैं तो हम धीरे धीरे सब कुछ अपने आप करना शुरू कर देते हैं पर अगर हम कोई कुछ लोग बड़े होके भी खुद नहीं कर पाते तब या कोई बार आ, कोई प्रॉब्लम कोई कंडीशन ही ऐसी आ जाती है कि हम खुद से नहीं कर पाते बहुत बार होता है ना कुछ लोगों को आ, मेरे पास एक पैरालाइज का केस है ऐसे हो जाता है एक्सीडेंट हो गया तब हम वो चीजें नहीं कर पाते तो हमारे लिए हमारे अपने ही करते हैं ना क्यों करते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं वो चाहते हैं कि हम साफ सुथरे दिखे इस कंडीशन में भी गंदा तो नहीं छोड़ देते तो सेम लाइक रेकी रेकी इज लाइक अवर मदर फादर लाइक गॉड कॉस्मिक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी तो उसको कैसे बुरा लग सकता है कि हम बाथरूम में बैठ के कर रहे हैं हम तो अपने भगवान को याद कर रहे हैं और प्यार से याद कर रहे हैं और कौन सा माँ बाप है जो अपने बच्चों की आके हेल्प नहीं करता चाहे बच्चा चोर भी क्यों ना हो फिर भी उसको जाते हैं जेल से छुड़वाने ट्रू तो वो भगवान वो स्पिरिचुअल एनर्जी कैसी है जो अपने बच्चों की मदद नहीं करेगी आए तो यूज खाना बनाते हुए सब्जी काटते हुए कपड़े धोते हुए वॉशिंग मशीन चल रही कभी भी मतलब कुछ भी ड्राइविंग में भी मैं अपनी बेटी को लेने जाती हूँ ना तो उस टाइम पे मैं अपनी मनी रेकी करती हूँ आई एम शेयरिंग माई एवरी ट्रूथ विथ यू मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपके लिए साथ शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ एक आपका सिलेबस खत्म करने का नहीं है वर्कशॉप तीस से चालीस दिन ही हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने टाइमिंग ही उस हिसाब से बनाया होता है मैं ब्रेक लेती हूँ हर क्लास करने के बाद मेरे एक या दो दिन की ब्रेक जरूर होती है कि अगर कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता है तो वो कवर अप हो सके तो भगवान को ये कॉस्मिक एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी उसको बुरा नहीं लगता तो मैं हमेशा हीलिंग करती हूँ मैं ड्राइविंग कर रही हूं मैं ड्राइविंग करके आ रही हूँ जा रही हूँ कुछ भी कर रही हूं तो मेरी वो हीलिंग चलती रहती है तो हमेशा उनके साथ कनेक्शन बना रहता है तो इस तरह आप भी किसी भी पोजीशन में सिर्फ आपकी क्रॉस लेग्स नहीं होनी चाहिए क्रॉस लेग्स क्यों है मैंने बताया ओपन और तो आप रिसीव कर पा रहे हो दे पा रहे हो और स्कैनिंग हो रही है अगर आपने क्रॉस कर लिया तो क्या हो रहा है एनर्जी का फ्लोर रुक रहा है आएगा अब हमने बाल मेरे खुले हैं तो उड़ रहे हैं हवा में ठीक है ओपन है टाई कर लिया तो क्या हुआ नहीं हुआ उनको बांध दिया तो वो लिमिटेड हो गए लिमिटेड हो गए ना तो हमें लिमिटेड नहीं करना हमेशा ओपन रहना है तो क्रॉस लेग्स नहीं करनी है सिटिंग पोजीशन में कर सकते हो लेट के कर सकते हो मेडिटेशन भी बैठ के भी कर सकते हो कुछ लोगों का ये होता है अगर वो लेट के करते हैं तो वो सो जाते हैं तो मैं कहती हूँ इससे अच्छा कुछ है ही नहीं अगर आप मेडिटेशन या हीलिंग करते हुए अपनी सो जाते हो तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें यही अचीव करना है और लोगों को ना धोखे में रखा जा रहा है आजकल कि अगर आप सो गए तो आप सोते ही रहेंगे आपने तो कुछ किया नहीं और आपको ये नहीं पता कि सोते टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और जो बात हम बोल के सोए हैं जो काम हम करते हुए सोए हैं वो सबकॉन्शियस माइंड लगातार करता रहेगा तभी तो बोलते हैं रात को सोते टाइम टेंशन बोलते हैं ना सोते टाइम अपनी टेंशन भूल के सो सोते टाइम कभी से किसी से झगड़ा करके मत सो क्योंकि फिर वही चीज पावरफुल हो जाती है तो पावरफुल हमें पॉजिटिवी करनी है अगर आप सो रहे हो इसका मतलब क्या है कि आप और ज्यादा पावरफुल हो रहे हो तो मैं तो अपनी हमेशा अफॉर्मेशन रात को भी यही बोल के सोती हूँ इवन मेरी छोटी बेटी है तीन साल की वो भी मम्मा आई एम डिवाइन छोल सोल नहीं आता मम्मा आई एम डिवाइन छोल तो वो मेरे साथ साथ बोलती है उसको भी आदत पड़ गई है और कई बार ही तो हम किसी के घर जैसे अपनी मम्मा के मम्मा को तो चलो पता है अपनी सिस्टर के घर जाती है तो उसका हस्बैंड बोलेगा लेगा क्या तो उसको अभी अभी सिखाती रहती है इतनी छोटी है उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला हुआ है मैं क्या प्रेशर रिलीज करने के लिए उसको सिखा रही हूँ प्रेशर डालने के लिए नहीं सिखा रही हूँ एंड सी द डिफरेंस बिटवीन माय चाइल्ड एंड अदर्स चाइल्ड किसी को भी लेके नॉर्मल पर्सन जो ये सब कुछ नहीं करते उनके साथ ला के बिठा दो आप मेरे बच्चे को और उन बच्चों को यू विल और मतलब इन्हीं से आप डिफरेंस देख सकते हो बोलने में सुनने में पढ़ने में करने में शेयरिंग करने में तो दिस इज अ डिफरेंस रेकी कैन बी डन एनी वेयर इन एनी फॉर्म कुछ भी करते हुए सबकॉन्शियस माइंड काम करता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इंटेंशन इंटेंशन प्योर होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो टारगेट क्या है गोल क्या है ठीक है फिर विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन अच्छी करनी है अगर आप किसी को ठीक कर रहे हो चाहे आपके पास किसी की टूटी हुई टांग आई है आपने विजुअलाइज करना है कि वो जुड़ी हुई है ठीक है आपके पास कोई आया है कि उसका काम नहीं बन रहा आपने हमेशा एक ही विजुलाइजेशन कर रही है कि तुम्हारा काम तो बना बनाया है किसने बोला नहीं बन रहा तुम्हारा काम बना बनाया वो बन जाएगा वो बन गया है चीजों को टाइम लगता है मैं तो हमेशा ये भी समझाने के लिए यूज करती हूँ कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है क्यों ये चीजें यूज कर लेती हूं क्योंकि इन इस वर्डिंग से ना कनेक्ट होना इजी हो जाता है किसी को समझाना इजी हो जाता है अपनी बातें नहीं बोल रही क्योंकि ऐसा ही है जब आपको ये पता है कि ऐसे होना है वो होके रहेगा वो होता है अच्छे में होता है कंसंट्रेशन कि आप अगर बोल रहे हो कि ये चीज ठीक है मतलब आप जब भी बात करोगे आप यही बोलोगे कि ये ठीक है आप चाह के भी अनजाने में भी कभी ये नहीं बोलोगे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था या मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था या फिर अब ये भी डाउट नहीं कर सकते मैं करती रहती हूँ हीलिंग करती रहती हूँ पर होता तो कुछ भी नहीं पर होता तो कुछ भी नहीं तो ऐसी कोई थॉट नहीं लेके आनी आपका फोकस सेम होना चाहिए विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए तो दिस विल इंक्रीज योर पावर्स तो ये आपकी पावर्स को और बढ़ाएगा तो रिकी कैन बी गिवन इन एंड प्रेगनेंसी बट मैं प्रेगनेंसी में आपको अलाउ नहीं करूंगी बिकॉज एक और सोल अंदर आ चुकी है ठीक है तो हमें नहीं पता अगर आप दूसरे पर्सन की हीलिंग कर रहे हो तो कुड पॉसिबल बहुत नेगेटिव है तो आपके अंदर जो एक और सोल आ, आ चुकी है उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है बहुत प्रोटेक्शन लेने के बावजूद भी इट कैन बी हैपन क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर मिस्टेक हो गई तो वो होगा में आप कर सकते हो ये बिल्कुल है You are more pure that time. आप उस टाइम पे ना ज्यादा प्योर है अब इसका रीजन भी बता देती हूँ ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की देखिए, हमें लोग बोलते हैं हमें उस टाइम पे सूरज रोशनी देना बंद नहीं करता अगर रेन हो रही है तो रेन है। सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज है ना पॉजिटिव एनर्जी है वो नहीं अगर पेड़ छाव देना नहीं खत्म कर रहा तो हम ऐसे क्यों कर सकते हैं लेकिन मैं आपको इस फॉर्म में नहीं समझाऊंगी देखिये आप एक प्रैक्टिकल वे में करते हैं हमारा वहां पे मूड चेंजिंग होते हैं मूड स्विंग्स आते हैं उस टाइम पे पेन होता है मूड स्विंग्स होते हैं बहुत चीजें अप एंड डाउन होते हैं हारमोन इनबैलेंस हो जाता है आपने कभी मेन्स को देखा है वो कितना गुस्सा करते हैं हम भी बहुत गुस्सा करते, करते हैं हमारे अंदर भी बट हमारा क्या है हम अपना गुस्सा इस फॉर्म में निकाल देते हैं हमारी एनर्जी का फ्लो रुकता नहीं है उनका रुका हुआ है उनके अंदर ही है कोई निकलने का को सोचती नहीं है कोई भी निकलने का सोर्स नहीं है ना आप पानी पी रहे हो इन्फेक्शन यूरिन के रूप में निकलता है खाना खा रहे हैं जो बचा जितना लगना है बॉडी को लग जाएगा बाकी कैसे निकलेगा मोशन के थ्रू निकलेगा जो हमारे इमोशंस हैं जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है या पॉजिटिव एनर्जी जो भी एनर्जी का खेल है वो एनर्जीज का खेल क्या है उसमें से जो भी एक्स्ट्रा है वो एवरी मंथ निकल जाता है प्रैक्टिकल में बता दू वो हर मंथ निकल जाता है आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप देखना मेंस्ट्रेशन्स के बाद आपको हल्का फील होना शुरू हो जाएगा यू कभी भी अभी आपसे नोटिस नोटिस पहले notice नहीं किया होगा अभी से नोटिस करके देखना आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा यू विल बी बेटर किसी से झगड़ा भी किया होगा दस दिन पहले अगर वो पर्सन आपके बाद इमीडिएटली आपके पीरियड्स के टाइम पे भी अगर वो आपके सामने आ गया तो यू विल बी हैप्पी आपको ठीक लगेगा कुछ ज्यादा फील नहीं होगा क्या हुआ वो इमोशंस वो फ्लो निकल गया उनके अंदर निकालने का कोई वे नहीं है तो दिस टाइम यू आर मोर पावरफुल दिस टाइम यू आर मोर स्ट्रॉन्ग क्योंकि आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो अपनी जगह अपने आप बना रहे हैं वो ऊपर नीचे जाके अपने आप अपने आप को खुद बैलेंस कर रहे हैं उनके अंदर मेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम है ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे वहीं पे घूम रहे हैं और आप हमेशा देखो वो घूमते ही रहते हैं पॉजिटिव है पावरफुल है अगर वो सब कुछ है उनके पास लेकिन बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं है तो हमारी बॉडी से सब कुछ बाहर निकलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब तक नेगेटिविटी या देखो एक्सेस में कोई भी चीज अच्छी नहीं है एक्सट्रीमली कोई भी चीज अच्छी नहीं है ना तो पॉजिटिविटी अच्छी है आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे कि गृहस्थ जीवन को नहीं समझोगे जो कि हमारा सोशल एनिमल होने का पहला अः नेचर का रूल बनाया है नेचर रूल बताया ना आपको उस उसपे भी एनर्जी एक्सचेंज में भी नेचर का रूल बताया कि लॉ ऑफ है कि उन्होंने रूल बना के छोड़ दिया है तो हमारा क्या हो रहा है हम सब कुछ डिस्कार्ड कर रहे हैं नेगेटिविटी है तो डिस्कार्ड कर रहे हैं कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी तो यही बोलते हैं एक फॉर एग्जांपल से बता देती हूँ हमारे पेरेंट्स ने मैंने सुना हुआ है आई थिंक मेरी नानी की हम ना गंदी चीज से बने हुए हैं वी आर नॉट प्योर तो तब तो बच्चे थे शायद नहीं समझ में आता था बड़े हुए अभी समझ में आया ऐसे कुछ तो अगर हम ऐसे बने हुए हैं तो वाई वी आर अलाउड टू गो इन द टेम्पल्स अगर हम गंदे बने हुए हैं तो हम भगवान में मंदिर क्यों जाते हैं या अपने मंदिर में भी पूजा पाठ क्यों करते हैं या हम ये सब चीजें क्यों करते हैं हम पॉजिटिव हैं कोई भी चीज ऐसी नहीं है ये ना गलत धारणा बना रखी है तो उनसे दूर हटो अगर वाकई में आपको ये प्रैक्टिकल लगता है नहीं लगता तो करके देखो आजमा के देखो कि मैं अगर मैं आपको एक चीज बताऊं अगर कोई फुल मून कोई न्यू मून या कोई हीलिंग केस मेरे इस टाइम पे आ जाए और मैं अगर हीलिंग करती हूं वो तो पक्का ही ठीक हो जाता है वो काम तो पक्का ही उसमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है कि उस टाइम पे मैं अपने आप को इतना पावरफुल फील करती हूँ कि एनर्जी का फ्लो अपने आप निकल रहा है दिस इज अचुरल फॉर्म ये भी तो गॉड ने ही रूल बनाया है ना ये भी एक रूल नेचर ने ही बनाया हुआ है नेचर का रूल है कि हम प्योरिफाई होते हैं सिंपल वर्ड में बोलो वी उस टाइम पे हम प्योरीफाई होते हैं एक शिफ्टर है चाय पीने के लिए हमें वो छाननी पड़ती है खाना बनाने के लिए हम धो के सब कुछ करके उसमें खाना बनाते हैं तो हम प्योरिफाई हो रहे हैं शिफ्टर लगी हुई है शिल्टर से हम प्योरीफाई होकर फिर से नए रूप में बाहर आते हैं फिर से नए रूप में आते हैं हर थोड़े दिनों बाद महीनों बाद या दिन बाद हम हम फिर से वापस आ जाते हैं हैं अपने फॉर्म में में रूटीन तभी सब चीजें बैलेंस कर पाते क्लियर तो ये है कैसे ट्रीट करना है किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं डू एंड डोंट्स ये मेरे अपने व्यूज हैं बट मैं फिर भी बोलूंगी मेरे कहने पे मत जाना खुद ट्राई करो अपना बिलीफ सिस्टम जब तक नहीं आएगा तब तक आप वो चीज नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैं एक मिनट देख लेती अभी हमारा आ जाएगा कि रेकी की हम रेकी शुरू कैसे करते हैं सबसे पहले हमारा रेकी करने का हमेशा एक होता है कि आप बैठे हो या लेटे हो रिलैक्स कर लो अपने आप को वेरी कंप्लीटली क्लोज योर आईज रिलैक्स योर सेल्फ जैसे हम मंदिर में बैठ के दो मिनट रिलैक्स करते हैं एक डीप ब्रीथ लो रिलीज करो देन जॉइन योर हैंड्स थैंक्स टू रेकी एनर्जी थैंक्स टू रेकी डॉक्टर मिकाओ जी, थैंक्स टू माय गॉड गॉडेस गार्डियन एंजल्स आर्कएंजल्स थैंक्स टू द एंटायर यूनिवर्स तो ये एक छोटी सी प्रेयर है ये एक छोटी सी प्रेयर आप इसको जितना मर्जी छोटा कर लो अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि थैंक्स टू माई गॉड देखो आप अगर uh, किसी का कोई आपका काम करना चा, नहीं चाहता फॉर एग्जाम्पल मम्मा ही है मम्मा बोलेंगे आज मैंने तेरे लिए ये खाना नहीं बनाना तो हम क्या बोलते हैं प्लीज 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 कर दो प्लीज प्लीज कर दो मनाते हैं ना तो दिस वे हम रिकी को कॉल करने का एक मेथड बनाया कि हम उसको थैंक यू पहले ग्रेटिट्यूड काम अभी उन्होंने करना है कि या नहीं लेकिन पहले थैंक यू बोलती है कुछ लोग बोलते हैं ना थैंक्स इन एडवांस आजकल थोड़ा बन गया हुआ है ये व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आते हैं कुछ बोलते हैं कैन यू प्लीज हेल्प मी टू डू देते हैं तो मतलब पहले ही आप आप ना ना भी करना चाहो तो आप ना नहीं कर सकते आपको करना ही पड़ेगा मतलब वो काम तो इसीलिए हम रेकी को पहले ही थैंक यू बोल देते हैं कि तुम्हें हमारा काम करना ही है तो बोल दिया थैंक्स टू रेकी और रेकी लेके कौन आया रेकी डॉक्टर मिकाओ सुई जी तो उनको भी थैंक यू बोल दिया कि आप लेके आयो मेरे तक पहुंची है ना उनको भी थैंक यू बोल दिया फिर मैं थैंक यू किसको बोलती हूँ दिस इज माई वे मैं अपने भगवान को मेरे भगवान जिनको मैं मानती हूँ माई गॉड गार्डियन एंजल्स हैं जो मेरे एंसेस्टर्स हैं मतलब हमारे जो पूर्वज हैं वो भी तो हमें ब्लेसिंग्स कर रहे हैं हमारे जो असेंडेड मास्टर्स हैं मतलब जो पूर्वजों के साथ हमारे काम करने वाले होते हैं उनके उनके लिए भी थैंक यू हम बोलते हैं तो उन सबको थैंक यू बोल के मैं सबसे आशीर्वाद देती हूँ कोई भी काम शुरू करने से पहले अपनी हीलिंग हो चाहे दूसरों की हीलिंग हो तो आप चाहे तो जो बुक में है वैसा फॉलो कर सकते हो लेकिन अगर आपको मेरा पर्सनल वाला भी अच्छा लग रहा है तो यू कैन एड और सबसे अच्छी बात एक रीजन बता दू हम आ, आप सब हिंदू है यहाँ पे मुझे आ, सब हिंदू ही है अगर हम आ, चर्च में जाए तो हमें कैसा लगता है थोड़ा सॉफ्टवर्ड लगता है ना लगता है थोड़ा सॉफ्टवर्ड लगता है कैसे करना है क्या करना है कई बार नहीं भी समझ में आता है ऐसे जाके समझ में नहीं आता है, कैसे प्रेयर करना है तो जो चीज आपकी अपनी है अपने घर में कैसा लगता है अच्छा है ना खुला ऐसे कुछ भी कैसे भी लेटो कैसे भी बैठो कुछ भी खाओ मतलब कोई बैनर्स नाम की कोई चीज फॉलो नहीं करते कुछ भी करते हैं किसी के घर पे जाते कितने सलीके से ऐसे बैठो प्यार से बात करो कितना कुछ हम फॉलो करते हैं सेम वे हमारे भगवान है किसी भी तरह से बात करो तुम ये कर दो मेरे लिए वो कर दो तो सबसे पहले उसके साथ कनेक्शन बनाओ जो आपका अपना है क्योंकि वहां पे आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी ठीक है ना तो रेकी आपके लिए अगर न्यू है आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करूं क्या करूं लेकिन वहीं पे जब आपने अपने भगवान को भी बुला लिया कि प्लीज गॉड कम एंड हेल्प मी गाइड मी मेरा ये काम कर दो वो कर दो तो आपके लिए इजी हो जाएगा वो क्योंकि एनर्जी तो कहीं ना कहीं वहां से ही आ रही है पॉजिटिव चीजें ही है तो जब हम उनके साथ कनेक्शन बना लेते हैं ना तो तब चीजें इजी हो जाती है हमें अपने घर जैसा लगता है तब हमें अपने मंदिर जैसा लगता है मंदिर में जाके और चर्च में जाके जो डिफरेंस आता है वही आपको डिफरेंस आएगा यहाँ पे तो जब आपने अपने लोगों के साथ कनेक्शन बना लिया और देखो हमारे पेरेंट्स है वो हमारी हेल्प पहले करेंगे दूसरे के पेरेंट्स तो बाद में आके हेल्प करेंगे ना तो इस वे से भी कनेक्शन बना सकते हो इस वे से भी सोच सकते हो कि मेरे लोग हैं तो वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे ये करे तो चाहे ना करे इन केस कोई डाउट हो तो, तो हमेशा अपने लोगों का हाथ पकड़ के चलो अपने भगवान अपने पूर्वज अपने लोगों का जिन पे भी आपको विश्वास है अगर आपने कोई गुरु धारणा कर रखी है तो उन गुरु जी का नाम लेके चलो ताकि वो आपको गाइड करें, वो आपकी हीलिंग में हेल्प करें, ठीक है तो दिस इज द वे वी यूज टू डू प्रेयर आपने हाथ जोड़ने हैं नहीं जोड़ने कंप्लीटली ऑप्शनल बट यस क्लोज योर आईज आराम से एक ब्रीथ तो जरूर लें डीप एक डीप ब्रीथ छोड़ें थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स करके देन से थैंक यू टू तो रेकी एनर्जी रेकी डॉक्टर मिकाऊ श्री जी क्योंकि हम वही करने जा रहे हैं उसी फॉर्म में हमें पता चल रही अपनी शक्तियां तो आपको इसी फॉर्म में पता चली ना पहले आपको अपनी शक्तियां नहीं पता थी अभी आप यूज कर रहे हो रेकी के थ्रू इसीलिए उनको थैंक यू बोला और अपने भगवान अपने गुरु इन सबको याद करो और रेकी शुरू करो ये है शुरू करने का तरीका अभी करनी कैसे है वो हम हाँ आगे सीखेंगे आज के लिए इतना ही अगर कोई डाउट है कुछ भी ऐसा है तो आप पूछ सकते हैं देख लेती हूँ और रेकी फिनिश करने का भी सेम तरीका होता है डेस थैंक यू रेकी थैंक यू माई गॉड गॉड एस एवरीबडी तो सिंपल वे में थैंक यू से शुरू करते हैं और थैंक यू से ही खत्म करते हैं ठीक है किसी का कोई डाउट ठीक करें ओवर फिर आज की क्लास ठीक है निकिता संध्या जी कोई डाउट तो नहीं है मैं आपको बहुत ज्यादा अभी नहीं हम थोड़ा भागेंगे सेकंड लेवल से थोड़ा भागेंगे अगर भागेंगे भी अभी नहीं क्योंकि अभी इनको लिए बिल्कुल न्यू है बाकी लोग आपको थोड़ा लेटर ऑन ज्वाइन करेंगे थर्ड लेवल में कोई मास्टर लेवल में ही तो फिर उस हिसाब से देखेंगे अभी बेसिक है बिल्कुल तो आपको ये डीप में जाना क्योंकि ये सारी वर्डिंग्स मुझे पता आपके लिए नहीं है ठीक है शिखा जी ने भी पहले फर्स्ट लेवल कर रखा है तो थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड जल्दी कर पाती है तो आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नया है तो पहले बिल्कुल बेस अगर पक्का होगा कोई भी डाउट मन में लेके मत चलना अगर क्लास में नहीं भी पूछा जा रहा तो आप मैसेज करके या फोन करके मॉर्निंग टाइम पे मुझे पूछ सकते हैं ग्यारह बजे के बाद तो दिस वे हम फर्स्ट लेवल को बड़े आराम से समझ के बेस को समझ के चलेंगे तो आगे पढ़ना इजी रहेगा ठीक है चलिए गुड नाइट टेक केयर कल मिलते हैं Good night.